जय जय श्राधे श्यामा श्याम की जय। करोना वायरस, मैं तो इसका नाम भी नहीं सही ढंग से ले सकता। करोना वायरस है कि करोना वायरस है या कोरोना वायरस? अब ये कोरोना वायरस जो है, इसके लिए जो अब तक मोदी जी ने किया वह सब सही है, पर मोदी जी मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जितने 60 साल से ऊपर के व्यक्ति थे उन सबको आपने हर्जाना भी दिया है कि छुट्टियाँ करो पर कोई तनख्वाह नहीं कटेगी, ड्यूटी करो कोई पैसा नहीं कटेगा। परंतु मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बैंकें जितनी भी हैं उनमें भी आपने छुट्टियाँ कर दी, परंतु बैंकों का कर्जा तो जनता के ऊपर रेगुलर चढ़ता ही जा रहा है, ब्याज तो ऐसे दौड़ रही है जैसे चक्रवर्ती ब्याज दौड़ रही है घोड़े की तरह। बाजार बंद हैं, कारोबार सभी बंद हैं, पूरा भारत बंद है, फिर भी बैंकों की ब्याज क्यों नहीं बंद की गई? बैंकों की दर बदर पेमेंटें बढ़ती ही चली जा रही हैं। जब जनता कमाएगी नहीं तो बैंकों को कहां से देगी? बैंकों की कार्य प्रणाली या तो बिल्कुल ही बंद कर दें या फिर बैंकों को कुछ सहूलतें दें या जनता को सहूलतें दें। जनता कहां जाए? जनता का कारोबार सारा बंद हो गया, जनता भड़क रही है, बैंकें दिन पर दिन अपना ब्याज मांग रही हैं, बैंकों की लोन की किस्तें सभी के ऊपर टाइम टू टाइम बढ़ती चली जा रही हैं, कारोबार एक पैसे का नहीं है। जब कारोबार नहीं होगा, हम जैसे गरीब तबका वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग बैंकों की किस्तों को कहां से देंगे? ये लेट होने पर हमारे ऊपर किस्त पर किस्त चढ़ जाएगी, एक महीने की पेमेंट ना अदा करने पर दूसरे महीने की पेमेंट डबल देनी पड़ेगी, उस डबल पेमेंट को देने के लिए इस महामारी के लिए क्या जनता के लिए आपने अपने खजाने से उन लोगों के लिए जिन पर गवर्नमेंट का लोन है उनके लिए क्या सुविधा दी है? जिन पर गवर्नमेंट का लोन है उनको देना ही पड़ेगा, उनकी एक किस्त लेट होने पर दो किस्तें इकट्ठी जाएंगी, दो भी ना दे पाए तो तीन इकट्ठी हो जाएंगी, वह तो कर्जे के नीचे ही डूब करके मर जाएंगे। इससे तो अच्छी मृत्यु आ जाए वो अच्छा है, कर्जे के नीचे डूब के मरने से तो मृत्यु आ जाए वो अच्छा है। हम नहीं चाहते किसी का कर्जा लेकर के मर जाना, कि कर्जा लेके मर जा, ये नहीं चाहते। इसलिए आप तुरंत बैंकों को आदेश दें कि इस महामारी के टाइम की ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज जो है हमारे किसी भी जनता जनार्दन के सिर पर न डाली जाए, बैंकों का लेन देन चलता रहे और जनता के सिर पर ब्याज न चढ़े। कोई फैसिलिटी आपने दी है कर्जाइयों के लिए? क्या फैसिलिटी दी है? कर्जाई जब घर में बैठ जाएंगे, बाजार बंद हैं, कारोबार बंद है, त्राहिमामा हो रही है चारों तरफ, जब चारों तरफ त्राहिमाम मचेगी तो जनता जनार्दन कहां से बैंकों का लोन दे पाएगी? और जितनी भी प्राइवेट या सरकारी बैंक हैं वो चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से उनका घोड़ा दौड़ रहा है,
वो हमसे मांगते चले जा रहे हैं। हम कहाँ से दे पाएंगे, हम किसे लूटेंगे? क्या हमारे कोई, आपने हमारी जनता के लिए या हमारे लिए कोई सोचा है? जो नित्य प्रति कुआ खोद के, जो नित्य प्रति कुआ खोद के पानी पीने वाला जीव है, वह जीव कहाँ जाएगा? जनता जब बढ़ जाती है तो भगवान को भी महाभारत कराना पड़ता है। अगर आप सोच सकते हैं तो जनता का बारे में कुछ सोचिए। ये जनता जनार्दन, बढ़ती ही जा रही है आबादी, इनकमें कम होती चली जा रही हैं, कभी महामारी की वजह से, कभी विश्व युद्ध की वजह से, कभी अंतरिक्ष से गिरने वाले पिंडों की वजह से, कभी बारूद की वजह से, कभी धमकियों की वजह से, चारों तरफ से, दसों दिशाओं से आपातकालीन परिस्थिति आ चुकी है। इस आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए क्या आपके पास इतना धन संग्रह है जिससे कि आप पूरे भारत को रोटी खिला सकें? एक परिवार जब घर में बैठता है, कारोबार बंद कर देता है, तो वह सोचता है कि अपने परिवार को रोटी कैसे खिलाऊंगा। तो आपका तो ये पूरा हिंदुस्तान एक परिवार है। मोदी जी, मैं बार बार आपसे ही कहूंगा और अपने प्यारे राष्ट्रपति जी से कहूंगा कि आपने क्या सोचा है कि आप अपने परिवार को रोटी खिला पाओगे? क्या आप अपने परिवार के बैंकों के कर्जे को मुक्त करोगे या हमें इसी कर्जे में डूब करके मरना होगा? क्या हमारी भक्ति रंग लाएगी? क्या भारत ऋण मुक्त होगा? अगर ऋण मुक्त होगा तो जल्दी से जल्दी बैंकों से कहा जाए कि ब्याज समाप्त कर दी जाए। जितनी भी प्रकार की ब्याजें हैं वो ब्याज बिल्कुल समाप्त कर दी जाए। बिल्कुल समाप्त कर दी जाए तो आदमी कम से कम अमाउंट तो दे सकता है, जितनी अमाउंट बैंकों से ली है उतनी अमाउंट बैंकों को दे सकता है। कोरोना या कोरोना, कोरोना को मैं कोरोना ही कहूंगा। अरे भाई, अब तो कुछ करो ना, सारा समय तो ऐसे ही बिता दिया। पहले 5 साल आपने गद्दी पे बैठ के ऐसे ही बिता दिए, परंतु अब समय आया है कोरोना, तो कुछ तो ऐसा करो जिससे जनता जनार्दन आपको सदियों तक याद रखे। बार बार कह रहा हूं, जितने लोग महामारी से नहीं मर रहे उतने लोग कर्जे के नीचे दबके मर रहे हैं। इसलिए कर्जा मुक्त कराओ, ऋण मुक्त कराओ भारत को। भारत ऋण के नीचे बैठा हुआ है, एक एक आदमी कर्जे में दबा हुआ है। जब कर्जा मुक्त होगा, जब ऋण मुक्त होगा, तभी कोई साबुन खरीद के लाएगा, तभी हाथों को वॉश करेगा। जब किसी के पास में पेस्ट खरीदने के लिए पैसा होगा तो पेस्ट खरीद के दांतों के कृत्रिम कीटाणुओं को जरूर साफ करेगा। जब किसी के पास में धन होगा तो वो है अपने आसपास जरूर सफाई रखेगा, कोरोना वायरस को जरूर भगाएगा। जब किसी के पास में धन होगा तो वह पाठ भी करेगा, पूजा भी करेगा, संध्या भी करेगा, बंधन भी करेगा और कोरोना को भगाएगा। स्वच्छता भारत में तभी आएगी। स्वच्छ भारत अभियान आप चलाना चाहते हो तो ये बताओ, स्वच्छ भारत के लिए कहाँ से
कहाँ से स्वच्छता आएगी जब धन नहीं होगा, जब आदमी मलेच्छ बन करके रहेगा, जब धन ही उपलब्ध नहीं होगा, दस दस दिन खाने के लिए पैसा नहीं होंगे, कपड़े धोने के लिए साबुन नहीं होगा, चाय बच्चों को दूध पिलाने के लिए दूध नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, जब किसी के पास में कुछ भी नहीं होगा, तो दुनिया कहाँ से कोरोना को भगाएगी? कोरोना वायरस को भगाने के लिए धन की आवश्यकता है, शुद्धता की आवश्यकता है, बैंकों के कर्जे को निवारण करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरी बार बार आपसे यही प्रार्थना है कि भारतवर्ष को बचाना चाहते हो, विश्व को बचाना चाहते हो, तो विश्व बैंकों से भी यही मेरा अनुरोध है कि तमाम विश्व के कर्ज को, तमाम विश्व बैंकों में जितना भी कर्जा जनता जनार्दन के ऊपर चढ़ा हुआ है, उस जनता जनार्दन के कर्जे को तुरंत मुक्त किया जाए। जितनी जल्दी आप मुक्त कर सकेंगे, उतनी जल्दी जनता अच्छी सांस ले पाएगी। बुखार हो जाता है किसी को, तो साल में, एक साल में या एक महीने में कितना अनुपात है, कितने जीव मरते हैं बुखार होने पर। परंतु ये कोरोना वायरस जो आया है, इसमें अभी तक इतनी हानि नहीं हुई है जितनी हानि की बुखार से होती है, अनेक प्रकार की बीमारियों से होती है, जबकि अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज कराने के लिए लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है। जब पैसा ही नहीं है तो संसार में इंसान की वैल्यू क्या है? अरे पैसे के तात्मात, पैसे ही के बहनबात, पैसे ही के हितजात, पैसे की लुगैया है, और पैसे बिना पटपर में डूब जात नैया है। पैसा नहीं होगा तो भी तो इंसान को मरना पड़ेगा। इंसान को बचाना चाहते हो तो मीट मच्छी जीव हत्या, जितनी भी जीव हत्या हो रही है उसे बंद करो। आज एक इंसान का कत्ल होता है तो उस पर कितनी टिप्पणी, कितने अखबार, कितने समाचार आ जाते हैं। परंतु किसी बकरे का वध होता है, किसी मच्छी का वध होता है, किसी जीव जंतु को मार मार के जब खाते हैं, तो आप कुछ भी नहीं करते क्या? हिंदुस्तान के अंदर से जीव हत्या, भ्रूण हत्या, गौ हत्या बंद नहीं हो सकती? क्या ये ब्याज बंद नहीं हो सकती? अगर भारत सरकार अच्छे आंकड़ों में चल रही है, अच्छी गिनती में आती है, अच्छी इसके पास धन वृद्धि है, अच्छी आर्थिक व्यवस्था है, तो फिर आर्थिक व्यवस्था अच्छी होते हुए जनता जनार्दन के ऊपर ब्याज क्यों डाला जाता है? इस ब्याज को समाप्त क्यों नहीं किया जाता? ये ब्याज हमें दर बदर जीने पर दुश्वार कर रही है। हम अगर पूरे दिन में 100 या 200 रुपया कमाते हैं तो उतनी ब्याज हो जाती है जितना कि हम कमा नहीं पाते, उससे ज़्यादा अधिक मात्रा में हमारे सिर पर ब्याज चढ़ जाती है। इसलिए इस भारत को ऋण मुक्त करें, प्रदूषण मुक्त करें, वाइब्रेशन से मुक्त करें, बीमारियों से मुक्त करें। मोदी जी, आपके लिए इतना ही बहुत है, और ये वायरस से घबराने की कोई बात नहीं, ये वायरस अपने आप समाप्त हो जाएगा। जय जय श्री राधे, श्यामा श्याम।